Daily Gamer. तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सनी और लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर आप भी क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, स्नीक पिक्स, न्यूज या फिर गेम प्ले के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आ गए हैं आज हम लोग अपने टाउन हॉल लेवल 10 एपिसोड नंबर 5 फार्म टू मैक्स। तो देख सकते हो हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है, सो क्लोज, इतना ज़्यादा क्लोज कि पूछो मत, मैक्स होने के टाउन हॉल लेवल 10। और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे टाउन हॉल लेवल 11 में अगर आप लोग कहो तो, नहीं तो फिर टाउन हॉल 10 में ही मैं रुक करके कुछ वॉर्स करूँगा और आप लोगों को टिप्स दूंगा कि किस तरह से वॉर्स में अटैक किया जाता है। देखो माइनर्स किस तरह से दौड़ रहे हैं, रेगुलरली ये इस तरह से दौड़ते नहीं है, ये तो बस ज़मीन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आर्चर टावर्स पे हम लोग ध्यान दे रहे थे, लेकिन ये आर्चर टावर्स है 7 और हिडन टेस्ला हैं 4। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले हिडन टेस्ला को ही अपग्रेड कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे सिर से एक बोझ उतर जाएगा हिडन टेस्ला अपग्रेड करने का। तो हमारे पास अभी 2 बिल्डर अवेलेबल है, स्टोरेजेस लगभग फुल हैं और 2 बिल्डर खाली होने वाले हैं कल, तब तक तो मैं स्टोरेज फिर से फुल कर ही दूंगा। तो अभी एक अटैक करेंगे, उससे पहले दिखा देता हूँ कि लूट किस तरह से मिल रही है। तो अटैक डिफेंस लॉग में देख लो, कुछ ज़्यादा कोई लूट करके जाता नहीं है। अटैक लॉग में देख लो, एक बार मैंने बारबेरियन किंग छोड़ करके एक बार ट्रॉफी थोड़ा सा माइनस किया था कि कुछ ज़्यादा लूट मिल सके। तो लूट में तो यहाँ देख लो 7, 8, 8 वाला रिप्ले पूरा नहीं दिखाऊंगा, टाइम बहुत ही आपका कीमती है, पूरा रिप्ले नहीं दिखाऊंगा, बस दिखा दे रहा हूँ बेस किस टाइप का था। देख लो 8-8 लाख पूरा तरह से था। तो मैंने यहाँ पे अपना सीसी ट्रूप यूज़ कर दिया, क्योंकि मुझे पूरा 100% चाहिए था। ठीक है, ये हो गया एक, इस तरह का बेस था, बिल्कुल बेसिकली नॉर्मली बेस था, ज़्यादा उतना कुछ हार्ड नहीं था, बस उसके इन्फर्नोस ऑन थे, यही था मेन। और इधर एक और है, इसमें भी 100% है और इसका भी 8-8 लाख के लगभग लूट था। तो ये तो टाउन हॉल 9 ही, अगर मैं टाउन हॉल 9 में रहता और इस प्लेस पे अटैक करता तो 10 के ऊपर ही मिलता लूट। तो इस पे मैंने अपना बैटल ब्लिंप यूज़ किया था इस विजिट टावर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और इस विजिट टावर को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग अपग्रेड में लगा देते हैं अपना हिडन टेस्ला ही लगाएंगे, क्योंकि हिडन टेस्ला में ज़्यादा लगेगा गोल्ड। देख लो ये 40 लाख में हो जाएगा 4 मिलियन और इसमें लगेगा 45 लाख 4.5 मिलियन। तो लगाते हैं एक हिडन टेस्ला और उसके बाद एक बिल्डर से एक और हिडन टेस्ला लगाएंगे। उससे पहले हम लोग अपना सारा का सारा एलिक्सर डंप कर देंगे वॉल्स में, ताकि हम अगले लूट के लिए, मतलब अगले एपिसोड के लिए तैयार हो सके पूरा का पूरा स्टोरेज भर करके। तो लगाते हैं अपने हिडन टेस्ला को अपग्रेड के लिए। 6 दिन का अपग्रेड है, ज़्यादा कुछ डैमेज पर सेकेंड बढ़ेगा नहीं। तो इन 3, 2, 1 गो। तो एक लगा दिया और एक लगाने के लिए 45 चाहिए बस, बट हमारे पास है 38। तो देखते हैं ट्रेजरी में कुछ है कि नहीं। तो बेसिकली ये हमारा प्रोग्रेस बेस है और ट्रेजरी में उतना कुछ था नहीं, बट एक अटैक से मुझे लगता है हो जाएगा काम अपना। तो टाइम हो गया है, 3 मिनट पार हो गए हैं, देखता हूँ एक अटैक अच्छा से मिल जाए तो अटैक करके लगा दूंगा उसे। बट उससे पहले मुझे याद रखना पड़ेगा कि वॉल्स को भी अपग्रेड में लगाना है, नहीं तो फिर एलिक्सर तो बर्बाद ही चला जाएगा। तो देखता हूँ किस तरह से बेस मिलता है और फिर बात करते हैं हम लोग आगे। तो देख लो आगे हम लोग एक डिसेंट से बेस में, कुछ अभी उतना कुछ खास 8-8 लाख के करीब मिल नहीं रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 वीडियो में भी कहा है कि जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो यार नहीं ही मिलता है बेस अच्छा, जब रिकॉर्ड नहीं करता तब तो 8-8, 10-10 लाख। अभी देखता हूँ सीसी में ड्रैगन है और बलून है, तो इसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे पूरी तरह से। उससे पहले सारे के सारे एयर डिफेंस तो विजिट टावर के पास ही हैं, तो विजिट टावर को बस डिस्ट्रैक्ट करना है, उन्हें ख़त्म नहीं करना है। तो विजिट टावर डिस्ट्रैक्ट करते हैं और क्वीन को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं और लूट कर लेते हैं इसका सारा का सारा गोल्ड, 100% भी हो ही जाएगा। इधर देख लो, इधर से करने में ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि बॉम्ब टावर में ये सीज मशीन ज़्यादा वैल्यू देगा, काम ज़्यादा करेगा। तो यहाँ से वॉल भी ओपन कर दिया इसने, किंग अब हमारा आराम से अंदर जा सकता, और 2 बॉम्ब टावर से अब हमें कम डील करना पड़ेगा अपने माइनर आर्मी के साथ। तो देख लो विजर टावर को भी इसने डिस्ट्रैक्ट बड़े ही अच्छे तरीके से कर दिया, तो हमें हीलिंग स्पेल की भी अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जितनी की होती अगर ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। तो बस ऐसे ही फ्रीज कर देता हूँ इसे।
और इधर से एक हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हीलिंग हीलिंग दे करके बचाते हैं अपने माइनर्स को और 100% करते हैं किंग की एबिलिटी यूज़ कर देंगे ताकि किंग मर ना जाए। और बाय द वे, अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता ज़बरदस्ती कि सब्सक्राइब कर ही लो। और हील यहाँ पे भी एक गिराएंगे अभी, बट पहले फ्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। हील की अभी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अब लाया हूँ हील तो यूज़ कर ही लेता हूँ। और क्वीन भी आ गई है हमारी, हमारी नहीं ओपोनेंट की, तो उसे भी वहाँ पे भी हील कर देते हैं और एक हीलिंग बच जाएगी। मेरे ख्याल से तीन हीलिंग बच जाती है क्योंकि दो बॉम्ब टावर और एक विजर टावर को तो हमारे बैटल ब्लिम्प नहीं स्टोन स्लैमर ने ख़त्म कर ही दिया था। तो ये हो जाने वाला है 100%। और हमारे पास एलिक्सर की भरमार हो गई है, तो अगर ये टाउन हॉल लेवल 11 का बेस होता तो इसमें अभी ग्रैंड वार्डन को अपग्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। तो इस अटैक में तो मैंने अपना सीज मशीन और किंग दोनों यूज़ कर दिया, तो अगर अगला अटैक करना होगा तो उसमें मैं वो दोनों यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो कहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ था स्टोरेज में, तो हो गया 100%। एक हीलिंग स्पेल भी बच गया, बहुत ही मज़ा, बहुत ही आफत लूट तो नहीं बट डिसेंट लूट। तो आ गए हम अपने इस बेस पे, प्रोग्रेस बेस पे। देख लो माइनर्स यहाँ से जा रहे हैं, देखने में तो लग रहा है चार माइनर तीन माइनर है देखने में लग रहा। अभी देखना ये यहाँ पे पहुँच करके कैसे बिखरेंगे। ये देखो 1.5 लाख माइनर इधर, 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख इधर और 1.5 लाख इधर। देखा इसी में थे 40 माइनर जो कि तीन दिख रहे थे। तो रिक्वेस्ट कर देता हूँ कोई अगर कुछ दे दे तो अच्छा बात है, और ट्रेन में लगा देते हैं। अच्छा अभी नहीं लगाता हूँ, ट्रेन का साउंड आता है कान में आपके बार बार, तो आपको भी अनोइंग फील होता होगा। एक अटैक और करते हैं, और किंग को भी लगाना है लेकिन इसे कल लगाएंगे या फिर आज ही लगा देंगे, देखते हैं। 3000 अगर डार्क एलिक्सर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर उसके बाद हम अपने हिडन टेस्ला को नहीं लगाएंगे बल्कि लगा देंगे सारे के सारे वॉल्स को। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टॉकिंग अबाउट जो वो ऑपरेशन ब्लू स्काई है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन से ही देखें इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ब्लू स्काई के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल डिटेल तरीके में, ताकि जब भी अपडेट आए तो आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ और अपने बेस को लेजेंड लीग तक पहुँचा सको। क्योंकि अब उस अपडेट के बाद लेजेंड लीग में पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। तो देख लो यहाँ पे मिल गया आफत लूट गोल्ड की, बट हमारे पास ना ही तो इस बार सीज मशीन है, ना ही किंग है और ना ही फ्रीज है, तो ये थोड़ा सा बेस हार्ड होने वाला है। बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें बस डार्क एलिक्सर चाहिए, तो डार्क एलिक्सर के लिए ही अटैक करेंगे। 3000 तो डार्क एलिक्सर इसमें है, इनफ है, हमें बस स्टोरेज तक किसी भी तरह से पहुंच जाना है। तो फनलिंग इसमें कर देते हैं थोड़ी सी माइनर से इधर, और बाकी का माइनर डाल देते हैं बीच में, और 5 हीलिंग इज़ मोर देन इनफ फॉर पुशिंग माइनस इनटू द कोर। तो देखते हैं कोर तक पहुंचा पाते हैं या फिर नहीं। हीलिंग थोड़ा जल्दी ही यूज़ कर दूंगा क्योंकि इस बेस में देख सकते हो विजर टावर टाउन हॉल 10 का मैक्स है, और इसने भी अपने टाउन हॉल 10 को लगभग मैक्स ही कर दिया है, जो भी बंदा है भाई नाम आप लोग देख लेना। क्योंकि मैं वीडियोस में नाम क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि यार हर किसी का नाम अलग तरह से प्रोनाउंस होता है, दैट्स व्हाई आई डोंट रीड द नेम्स ऑफ सम प्लेयर्स। तो देख लो 25 हो गया है, 1,25,000 हो गया हमारा डार्क एलिक्सर। तो अब हम लोग कर सकते हैं अपने किंग को अपग्रेड, और जब मैं अभी इतने सारे लूट को वॉल्स में लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि शायद सारे वॉल्स हो जाने चाहिए। 33 वॉल्स हमारे अभी लेफ्ट है, तो 33 तो नहीं हो पाएंगे। चलो 49% 1 स्टार लकी माइनर ने कर ही दिया, 50% 2 स्टार और लूट भी हो गया काफ़ी अच्छा खासा। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्रोग्रेस बेस पे और करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा अपग्रेड। तो देखते हैं वैल्यू सबसे ज़्यादा थैंक्स लिनक्स, ऐसा ही कुछ नाम था भाई का, अपने दूसरे अकाउंट से उसे मैं डोनेट कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। तो अब देखते हैं कि क्या हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसे तो अपग्रेड कर देंगे तो हमारा बिल्डर खाली है अभी तो भर जाएगा, उससे अच्छा हम लोग करेंगे आज अपने किंग को लेवल 30 का, क्योंकि पूरे हीरोज़ को अपग्रेड करने के बाद ही हमें जाना है अगले टाउन हॉल लेवल पे। तो करते हैं सारे के सारे गोल्ड और एलिक्सर से अपना अपग्रेड, हम वॉल्स बिल्कुल मैक्स है अपना एलिक्सर स्टोरेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, कितने वॉल्स हो सकते हैं गिनना आप लोग, मैं भी गिनूँगा 1 2 3
अच्छा ठीक है, गोल्ड ख़त्म, अब एलिक्सर से तो हो जाना चाहिए भाई, इतना तो कर दे एलिक्सर वाले भैया। तो चलो एलिक्सर से भी इतना हो गया। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास अब आर्मी ट्रेन करने के लिए भी नहीं बचा है एलिक्सर, शायद हो जाए। चलो हो गया एक आर्मी तो हो गया ट्रेन, एक और हो गया ट्रेन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों आर्मी ट्रेन हो गए हैं और सब कुछ भी हो गया है फिक्स। अब जो एक बिल्डर बचा हुआ है उसे हम लगा देते हैं अपने किंग में, और फिर कल हम लोग करेंगे एपिसोड नंबर 6, जिसमें कि हम लोग अपग्रेड करेंगे बाकी के हिडन टेस्लास। तो अभी लगाते हैं किंग को लेवल 30 के लिए, हो जाएगा हमारा किंग 30 का इन 5 डेज। तो इन 3 2 1 गो। तो ये था यार हमारा आज का वीडियो, टाउन हॉल लेवल 10 फार्म टू मैक्स एपिसोड नंबर 5। तो अगर आप भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, देखने में इंटरेस्टेड हो, और भी तरह के मैं वीडियोस बनाता हूँ टिप्स ट्रिक्स के बारे में, ट्रिक्स तो नहीं, ट्रिक्स जैसी कुछ होती नहीं है, टिप्स और स्नीक पिक्स के बारे में, तो अगर आप भी वो सब जानना चाहते हो सबसे पहले, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा नाम है सनी, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।